नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नई जानकारी के साथ अपने सिलाई करते हैं तो नीचे क्या है, सिलाई ऐसे गुच्छे की तरह आने लग जाती है, नीचे गुच्छे से बन जाते हैं। इस प्रकार की सिलाई जब आती है तो ये किस कारण से आती है, इसको कैसे सही करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं होता। वो मैं एक एक करके सब कारण आपको बताऊँगा। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं फिर नीचे शटर में जाते हैं। आपको बताऊँगा मैं क्या क्या सेटिंग करनी है, कैसे करनी है। ये वीडियो ध्यान से देखना। जो सिलाई ख़राब आती है उसका पहला पॉइंट तो ये अपना ऊपर टेंशन है। टेंशन अगर अपनी लूज है तो ये पोजीशन आ जाएगी, ज़्यादा लूज है तो। कई बार क्या होती है, ये दो टेंशन के अंदर दो प्लेट लगी होती है, ये जो प्लेट है दोनों, इन प्लेट के बीच में धागे का कोई टुकड़ा फंस जाता है या कोई कचरा आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है, तो इनमें क्या है कि थोड़ी दूरी आ जाती है। अपने इसको फिर कितना ही टाइट कर लो, टाइट करने के बाद भी क्योंकि वो कचरा है वो इस प्लेटों को आपसरी में मिलने नहीं देगा, और मिलने नहीं देगा तो क्या होगा कि ये धागा अपना इस तरह से आएगा, यही अपना धागा इस तरह से आएगा। तो इसका पहला तो आपको ये बता दिया। अब शटल में क्या क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ आपको। शटल में जब भी धागा आएगा, ऊपर से धागा जब आता है, सुई नीचे आएगी तो धागा इस शटल के इस साइड से ऐसे ऐसे यूं घूमेगा, और घूम के यहाँ इस जगह पे आके धागा यहाँ से शटल धागा छोड़ देता है, और ये धागा बोबिन के इसके ऊपर से होके फिर यूं ऊपर जाता है ऐसे। तो इसमें क्या आ रहा है, ये बोबिन कैस है, इसमें यहाँ पे कोई ना कोई खरोंच ऐसे यहाँ धागा फंस जाता है। जब धागा फंसता है तो वो धागा यहीं अटकता है, और ये जो अपनी ऊपर मंकी होती है, ये मंकी ये क्या करती है, धागे को ऊपर खींचती है। जब नीचे वाला धागा लूज होगा तो ये एक तरफ का धागा ये धागा खींचेगी, जब ये ऊपर जाएगी तो यूँ धागा खींचता जाएगी, इससे धागा नहीं खींचेगी, टेंशन से अपना धागा नहीं खींचेगी। तो नीचे जब धागा अटक गया तो ये मंकी क्या करेगी, धागा अपना टेंशन से खींचना चालू कर देगी, इस तरफ टेंशन है इस टेंशन से धागा खींचेगी, वो इतना धागा नीचे बच जाएगा, और जब वो धागा निकलेगा तो उतना धागा क्या है, यहाँ गुच्छा बन के यहाँ नीचे अटक जाएगा। पहला कारण तो ये, दूसरा कारण आ गया, पहला कारण टेंशन वाला बता दिया, दूसरा ये बता दिया। अब मैं बोबिन केस को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर और बताता हूँ आपको भी आगे क्या करना है। इसमें जब धागा यहाँ से चलता है तो पहले यहाँ आके धागा फंस जाता है। यहाँ क्या होता है कि गैप कम है। अब मैं वो गैप दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ध्यान से देखना। ये जो एक ये अपना कैरियर है और ये शटल है, और कैरियर के ऊपर एक कैरियर पत्ती लगी होती है, जैसे वो दिखा रहा हूँ मैं अभी। अब आपको खोल के भी दिखाऊंगा मैं ये शटल, पूरी चीज़ समझाऊंगा आपको। ये कैरियर पे पत्ती लगी होती है, इस पत्ती और इस शटल के बीच में यहाँ गैप होना चाहिए। मैं बारीकी से दिखाऊंगा आप, थोड़ा थोड़ा मैं मशीन को चलाऊंगा तो आप देखना ये। अब जैसे ये कैरियर इस साइड में जाएगा, कैरियर अपना इस साइड में जाएगा, लास्ट पोजिशन पर जाके फिर वापस ये इधर होगा, क्यों आप चक्कर में होती है ना ये। अब जैसे ये इधर जाएगा तो यहाँ देखना जगह आपको गैप होता हुआ दिखाई देगा, ये जब ये यहाँ से जाके वापस इधर मुड़ता है तब ये गैप वापस कम हो जाता है। अब यहाँ ये गैप आएगा, तब ये गैप आता है तो ये क्या होता है कि यहाँ से धागा निकल जाता है गैप आने के कारण। कई बार क्या है, ये गैप नहीं आता तो धागा यहाँ फंस जाता है, यहाँ फंसने के कारण टेंशन ऊपर से क्या है, जब मंकी अपनी धागा खींचेगी तो वो ये धागा यहाँ से फंसा होगा तो मंकी क्या करेगी, टेंशन से धागा खींच लेगी, इधर वाला नहीं आएगा, और ये थोड़ा सा झटका खा के बाद में निकलेगा तो वो गुच्छा है वो यहाँ ऊपर का ऊपर यहाँ धागे के नीचे आने लग जाएगा। जैसे यहाँ ये गैप नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको क्या करना है, ये पेचकस लेना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाना है, और प्लास ले लेना है, प्लास या कोई हल्की चीज़ ले के इस पेचकस को
ऐसे इधर से ठोकना है, इस साइड में इसको ठोकना है यूं, पेचकस ऐसे लेना है और प्लास से इस पेचकस को इस पत्ती की तरफ यूं चोट मारनी है, इस तरफ मारनी है, हल्की चोट मारनी है, तो यहाँ आपका गैप आ जाएगा। ज़्यादा चोट मत मारना, ज़्यादा लूज हो गया है तो ज़्यादा लूज होने के बाद मशीन ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी, जितनी ज़्यादा प्ले आएगी, कई बार आपकी ज़्यादा चोट लग गई तो फिर उसको वापस कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरफ पेच का सर अड़ाना है, थोड़ा सा हल्का सा यूँ करना है, ज़्यादा जोर मत लगाना, कहीं टूट भी ना जाए, क्योंकि शटल वाला जो इसमें हल्का जोर लगाना है तो आपका ये जो ज़्यादा हो गया वो सही हो जाएगा। इस तरफ से यूँ जोर लगाना है, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ चेक करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, इसमें यहाँ प्ले होनी चाहिए ऐसे। अब ये प्ले आपको दिख रही होगी, अब मैं प्ले और दिखा देता हूँ, यहाँ नज़दीक से देखोगे तो आप इस जगह, आप ध्यान करना इस जगह पे जहाँ पे मैंने गैप बताया था, यहाँ पे देखना, ये जो आ रहा है ना, ये गैप इतना प्ले होना चाहिए, प्ले होगा तब ये गैप आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपके प्ले नहीं है तो आप ये जो कैरियर है इस पे पेचकस रखना है, और पेचकस से हल्की कोई प्लास या कोई हल्की चीज से इस पे कैरियर पे चोट मारनी है तो यहाँ आपकी प्ले आ जाएगी, तो यहाँ धागा नहीं फंसेगा। अब मैं ये शटल खोल लिया है, अब मैं शटल बाहर निकालता हूँ। पहले इस कैरियर के बारे में आपको बता देता हूँ, कैरियर में क्या क्या चीज़ आपको देखनी है। कैरियर में जो ये पत्ती होती है इसको कैरियर पत्ती कहते हैं, कई बार क्या ये पत्ती यहाँ से कट जाती है। ये पत्ती क्या काम करती है, ये शोकर का काम करती है, जैसे व्हीकल में शोकर होते हैं ना, तो उसी तरह प्रकार ये शोकर का काम करती है ऐसे। अब देखना यहाँ ये शोकर का काम कर रही है ऐसे, ये शोकर का काम करती है, और मैं निकाल लेता हूँ इसको। ये जब नीचे की तरफ आता है तब यहाँ ये लगता है, ये गैप मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो गैप है ये गैप इसमें, तो यहाँ ये क्या है, सोकर का काम करती है, आवाज़ नहीं आने देती, साथ में ये नीचे क्या आएगी तब यहाँ गैप आ जाएगा, और जब वापस ऊपर चलने चाहिए रोक लेगी। तो इसमें क्या है, धागा या तो यहाँ फंसेगा या ये पत्ती टूटी होगी। पत्ती टूटी हो तो आपको क्या करना है, इस कैरियर पत्ती को, इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ दो स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू तो इसमें यहाँ पे लगा होता है और दूसरा स्क्रू इसके साथ में इधर लगा होता है। ये दोनों स्क्रू खोल लेना और ये पत्ती बाजार में मिल जाती है, कैरियर पत्ती बोलते हैं इसको, ये ले आना। इसमें कहीं भी अगर कोई है, रगड़ का है, खरोंच है, तो आपको रेगमाल मार के, बारीक रेगमाल लेना है, 0 नंबर हो या आधा नंबर हो, उससे इसको साफ कर लेना, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, ये शटल है, शटल में मैं दिखाऊं तो इस जगह आके यहाँ धागा फंसता है, इस जगह आके यहाँ धागा आके फंस जाता है, अटक जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या है, अपनी सुई जब ऊपर से आती है तो यहाँ आके टकराती है, सुई भी टूट जाती है और यहाँ खरोंच सी आ जाती है, तब धागा यहाँ आके फंस जाता है। जब यहाँ अटकेगा धागा तो भी वो नीचे की सिलाई है वो गच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ भी रेगमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेना है इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना, और इसके ऊपर भी कहीं चुभन सी या रगड़क महसूस नहीं होनी चाहिए, कहीं धागा जहाँ अटके ना, बस ये देख लेना है इसके ऊपर ना हो। और दूसरी, आपको बोबिन को मैं बता ही दिया, बोबिन के ऊपर भी आपको, बोबिन केस जो है इसके ऊपर धागा यहाँ अटकता है इस जगह, इसको भी रेगमाल से, या यहाँ खरदरापन चुभन या रगड़क महसूस हो रही है तो यहाँ इसको भी साफ कर लेना है, रेगमाल मारना है, 0 नंबर रेगमाल ले लेना, तो उससे जहाँ भी क्यों धागा यहाँ से इसके साथ से होकर ऊपर जाता है। और एक कारण और होता है कि यहाँ से जब धागा चल के वापिस ऊपर यहाँ तक आ गया, यहाँ आने के बाद में क्या होता है, शटल के ऊपर ये जो पत्ती लगी होती है ऊपर, इस जगह आपको कोई खांचा मिलेगा, इस जगह खांचा मिले तो आपको क्या करना है, इस जगह उस खांचे को
आपको रेगमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेना है, तो आपका क्या है क्या वो धागा यहाँ नहीं अटकेगा, जहाँ भी धागा अटकेगा थोड़ी देर अटका, इतनी देर में क्या होगा ऊपर टेंशन से धागा खींच लेगा मंकी और वो नीचे गच्छा बना देगी। तो यहाँ आपको रेगमाल इधर मार देना है, इधर मार देना है, दोनों तरफ से रेगमाल मार के या साफ कर लेना, या फाइल कोई हो पतली फाइल हो रेती जिसको बोलते हैं उससे आप इसको घिस लेना। और चौथा नंबर मैं बता देता हूँ, यहाँ जो अपनी मून प्लेट होती है, ये जो मून प्लेट है इसमें यहाँ एक छेद होता है जिससे सुई नीचे जाती है, उसमें ये मून प्लेट खोल लेना और इसके नीचे की साइड यहाँ पे धागा अटक जाता है कई बार, तो वो रेगमाल मार के अच्छी तरह से साफ कर लेना, तो यहाँ से भी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब एक सरल सा तरीका मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जब भी कोई कपड़ा आपने सिलाई कर रहे हो, जैसे सिलाई कर रहे हो, आपकी सिलाई इस तरह आ रही है, तो आप जैसे यूं सिलाई कर रहे हो, सिलाई करते आप यूं पीछे से देखते हो कि सिलाई खराब आ रही है, तो आपको क्या करना है, ये कपड़ा नहीं हटाना और कुछ नहीं करना, आपको ये मशीन ऐसे कर लेनी है जैसे मैंने की कर रखी है, और आपको ये क्या है सटल में देखना है यहाँ पे आके, और मशीन धीरे धीरे चलानी है, आपको ये देखना है भी धागा कहाँ फंस रहा है, धागा कहाँ फंस रहा है, या तो यहाँ आके फंसा हुआ आपको मिलेगा धागा, जब धीरे धीरे चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक जगह फंसेगा, यहाँ से धागा चलेगा या तो यहाँ आके फंसेगा, यहाँ ना फंसा तो फिर आगे बोबिन के ऊपर वहाँ जाके फंसेगा, वहाँ ना फंसेगा तो लास्ट में जाके यहाँ फंसेगा, यहाँ नहीं फंसेगा तो आप लास्ट में जब देखोगे ना सटल खोल के जब बाहर निकलोगे तो धागा आपको यहाँ फंसा मिलेगा या ऊपर यहाँ फंसा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप अगर सही कर लोगे तो ये आपकी जो सिलाई की प्रॉब्लम है जो गच्छे से नीचे बन रहे हैं वो नहीं आएंगे। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।